बिड़ला सभागार में चल रही 5 दिवसीय क्रिटिकेयर 2014 का मंगलवार को समापन हो गया। अगली क्रिटिकेयर कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में होगी। कॉन्फ्रेंस में 3 दिन जहां तकनीकी सत्रों का आयोजन हुआ, वहीं आखिरी के 2 दिनों में 18 वर्कशॉप्स का आयोजन किया गया। देश में यह पहला मौका है जब किसी मेडिकल मीट में एक साथ 18 वर्कशॉप्स चली हों। यह कॉन्फ्रेंस पूरे देश में ट्रॉपिकल फीवर पर जारी किए गए जयपुर घोषणा पत्र के लिए याद की जाएगी, जिसका मसविदा कॉन्फ्रेंस में तैयार किया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए अन्य देशों की समितियों को भेजा जा रहा है। समापन के मौके पर इस घोषणा पत्र को विधिवत रूप से जारी भी किया गया। एक तो ये निकल के आया है, इसमें हमने हिंदुस्तान भर में जितने भी ICU हैं, उनका एक स्थान के अंदर हमें ये पता चला कि हिंदुस्तान में कितनी ICU हैं, उसमें किस लेवल की हैं और उसमें क्या क्या हो रहा है। ये एक पेपर प्रेजेंट किया गया जो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे पास डेटा बना है हिंदुस्तान का पूरा। लगभग हमारे पास 600 ICU का ब्यौरा आया है अभी तक, और इसको हमने चालू रखा है। आने समय जैसे जैसे डेवलपमेंट होंगे हमारे पास ये खबर आएगी। ऑनलाइन आ रही है, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनको साथ के साथ एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि ये अधिकृत ICU है। दूसरा, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर करीब 133 ICU के अंदर कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, उन कोर्सेज की समीक्षा हुई। कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र रूंगटा ने बताया कि इस घोषणा पत्र में ट्रॉपिकल फीवर जैसे कि पीलिया, रेनल फेलियर होने पर होने वाला बुखार, मस्तिष्क ज्वर, डेंगू, मलेरिया, सांस में रुकावट के दौरान आने वाले बुखारों का इलाज शीघ्रता से कैसे किया जाए, इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वर्कशॉप में भाग लेने वाले डॉक्टरों ने इससे क्या सीखा, इसके लिए उनकी परीक्षा भी ली गई और पास होने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज को सर्टिफिकेट भी दिए गए। वर्कशॉप में नर्सेज को अस्पताल में मरीजों के आने के बाद उनकी भूमिका और मरीजों के साथ उनके व्यवहार के बारे में ट्रेनिंग दी गई। यहाँ जो भी पेशेंट न्यूरोसर्जरी होते हैं, उनका ऑपरेशन के बाद में, ट्रोमा के बाद में उनको कितना फ्लूइड दिया जाए, किस तरह उसके पोजीशन में रखा जाए, क्या क्या उसे केयर की जाए। यहाँ ट्रोमा होने के बाद पेशेंट का जितने भी चेस्ट सबसे ज़्यादा खराब होती है कि किडनी का फ्लूड कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, किस पोजीशन को नर्स करना चाहिए। तो क्रिटिकल केयर में नर्सिंग केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो यहाँ दौरों से जो चल रही है उसमें जितने भी डेलीगेट हैं, जो इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, उनको वहाँ जहाँ काम करते हैं उनको तकलीफ होती है, तो वो देखते हैं कि भाई हम जाएँ नई जगह सीखें तो इस प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे किया जाए। तो एक तो होता है थ्योरी क्लास होते हैं जो कॉन्फ्रेंस में लेक्चर देते हैं, उसमें इतना फायदा नहीं होता जितना कि इन कोर्सेज फायदा होता है। इस 5 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का मकसद चिकित्सकों को नवीनतम चिकित्सा पद्धतियों से रूबरू कराना तो था ही, साथ ही इससे प्रशिक्षित करके भारत में मरीजों की मृत्यु दर में कम करने का प्रयास करना भी था। कॉन्फ्रेंस में आए 3,500 से ज्यादा डॉक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग पहली बार देखा। सुरेश शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, HBTV न्यूज, जयपुर।